दुनिया का सबसे खतरनाक देश पाकिस्तान, जहां पर दुनिया के खतरनाक आतंकवादी उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार गिरा, तभी से देश दुनिया के आतंकवादियों के लिए उनका गढ़ बन गया। धर्म और मजहब के नाम पर मासूम लोगों के खून से धरती को सींच रहे हैं। पाकिस्तान में एक खतरनाक साइंटिस्ट है जो सांपों के जहर के द्वारा नौजवानों को विक्षिप्त करके आतंकवाद की आग में झोंक रहा है। उस साइंटिस्ट का नाम है हाफिज सईद। यही वो टैबलेट है जिसको खाकर सीरिया में, इराक में, तालिबान में और दुनिया के कोने कोने में हमारे भाई इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। इस टैबलेट को सांपों के विष से तैयार किया गया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी इंसान होशोवास में किसी भी आदमी का कत्ल नहीं कर सकता है, ना ही आतंकवाद की लड़ाई लड़ सकता है। हाफिज भाई, ये टैबलेट मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में दो चार आतंकवादी भेजकर दो चार गर्दन काटने वाला खेल हम बंद करना चाहते हैं। कश्मीर में हमारे भाई हिंदुस्तानी सैनिकों का शिकार हो रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आतंकवादियों का एक बड़ा संगठन हिंदुस्तान में जाए और ऐसा हर शहर में आतंक मचाए कि हिंदुस्तान का कोना कोना थर्रा उठे। खान भाई, इस टैबलेट को बनाने के लिए हमें जहरीले सांपों की जरूरत है, जो हमारे देश में बहुत कम मिलते हैं, और इसीलिए हमने हिंदुस्तान से सांपों को इंपोर्ट करना शुरू किया। हमने सुना है कि हिंदुस्तान में इच्छाधारी सांप मिलते हैं, और जिस दिन वो सांप हमारे हाथ लग गए, उस दिन हिंदुस्तान हमारे कदमों में होगा। ऐसी क्या शक्ति होती है इच्छाधारी सांपों में? इनका जो जहर होता है वो आम सांपों से हजारों गुना पावरफुल होता है, और इनमें से हम जितना भी विष निकाल लें वो 10 मिनट में रिकवर कर लेते हैं। इसीलिए हमें वो इच्छाधारी सांप चाहिए, नागिन चाहिए। ऐसे सांपों का आप पता कैसे लगाते हैं हाफिज भाई? इसके लिए हमारे पास एक ऐसा गरुड़ है जो हिंदुस्तानी सांपों के विषय में हमें जानकारी देता है। हाफिज भाई, अगर इस मिशन में आप कामयाब हो गए तो हम आपको मालामाल कर देंगे। इंशाल्लाह। मैं झारखंड हूँ, हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत राज्य, जिसे ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कण कण में भगवान बसते हैं, तभी तो इंसान के साथ साथ यहाँ के लोग जीव जंतुओं में भी आस्था रखते हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा भगवान शिव के साथ साथ सांपों की भी पूजा की जाती है। शहर के सबसे संपन्न व्यक्ति काली पांडे, जिनके कुल देवता हैं इच्छाधारी नाग और नागिन। मैनेजर साहब। जी मालिक। हम जाता नहीं हजारीबाग। मालिक, आज तो नाग पंचमी है, बिना नाग देवता के पूजा के लिए रउआ हजारीबाग मत जाए। अरे मैनेजर साहब, आज के दिन हम भोरपर आ सकता है? हमारा पतावा की आज नाग पंचमी, और ये दिन हमारे पूर्वज सैकड़ों वर्षों से नाग देवता की पूजा कर चला होता, बिना पूजा के लिए हम कहीं जा सकता नहीं। का लेट होता। अच्छा तो मालिक, बोला भगवान तरुआ के सब कुछ दे ले, लेकिन मलकिनी के आवाज ना दे ले। अरे मैनेजर साहब, हमार मालती के भगवान आवाज छीन ले लेते काब। आज इनका वजह से हमरा चांद जैसन दूगो बच्चा, जब से इनकर कदम एक घर में पड़ल लक्ष्मी बरसा दिया। इतना धन दौलत शान और शौकत सब कुछ बा, आ सबसे बड़ा चीज बा कि हमरा के इतना प्यार करेली कि ऐसन पत्नी भगवान सबके होके देवे। चलल जाओ, लेट होता नू। चला चलल जाओ। अपने के बर्बाद हो गए। अरे क्या करता रहा, उठा लो, उठा उठा। हमने के बचा ला जी, हमने के बचा ला।
छीन लीजिए कुछ अरे तई का हालत बनी बड़ा तुम्हें के का बताई जीजा जी बाढ़ में सब कुछ दहा गई खेत खलिहान घर द्वार सब कुछ दहा गई जीजा जी घर में अनाज के को दाना नहीं खे जेकरा खा के आज से जिंदा रह सके अब रहे सहारा बा जीजा जी अपन चरण में हम के शरण दे दी जीजा जी दीदी तीन दिन से हमने की एक और के दाना नहीं की खेले छाती भर पानी के हेल के अपन जान बचा के रहुआ लोग के पास आई नहीं है हमने के बचा लेती थी रहुआ लोग के हमने गुलामी करब कोनो काम धंधा दे दी दीदी सहारा दे दी दीदी हम झाड़ू पोछा करब बर्तन माजब गाय के गोबर काढ़ब मजबली के सहारा दे दी दीदी अरे तुहनी के हमार यशोदा के चचेरा भाई बहन हो तुहनी के मदद हमनी के ना करे त के करी चिंता मत कर लोग का यशोदा मैनेजर साहब जी वाले लोग के रह के व्यवस्था कर ली साला साली है लोग तकलीफ ना हो खाना वाना खिलावा रह के व्यवस्था करा दा जी हमनी के मंदिर से होके आवत है ठीक बा बुलाओ जी पकावन जी अब रोल ने आराम से रही चलो बुलाओ जी अब शाम के भेंट होई चली सबके उचली आई हे हवा असिस्टेंट चली 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 हमने के जीजा जी दीदी कितना अच्छा हुए का कहे के चाहतन ये लोग के व्यवहार ठीक नहीं खे अरे भाई आखिर तोरे नैहर के लोग नुआ आई दुख मुसीबत में हमनी के साथ ना देव तो के दी ये बताओ कुछ दिन रहिया सन ओकरा बाद ओखनी के हालत ओला ठीक हो जाए चल रहिया सन चिंता मत कर चिंता मत कर भगवान इतना सब कुछ देले बड़े हर आदमी के मदद करे के चाहिए ठीक बा नू चला जाए दा नाग देवता सब ठीक करिए Thank you.
भगवान, जिंदगी भर कहां से काटा था हमका। भगवान ऐसी किस्मत बदलने वाले, गांव में गुलामी करत रानी, इतना ही गुलामी करे के पड़ा था। भगवान ऐसा किस्मत केहू के न दे। काए मैनेजर साहेब, शादी सुदा हो के लाइन मारतनी तो का करी, 6 महीना हो गेल मेहरारू के नैहर गईला। तनी देख के अकिया सेक लेता नी, तनी मन के शांति हो जा। का करता रहे जा? का करिए मैनेजर साहेब, हम जब एकरा के देखे नीनु तो हमरो मनवा में कुछ कुछ होके लागेला, आ करे जब ठप ठप करे लागेला, आ मन करेला नु कि एकरा के पकड़ के चबा। मैनेजर साहेब, अरे क्यों देख ली, चुपचाप रहो, देख के हुआ। चल 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 चल, ई घर के चमक दमक देख के हम सोचा था नहीं कि कहिया ये घर पे हमनी के राज करब। भैया, हमनी तो ऐसा साफ बनी जा जितना कटला के बाद लोगन के पानी भी नसीब ना हो। और ये काली पांडे आज नहीं तक काल हमरा उंगली पर नाचे जरूर, और हम नचाई। और का हमने के खाली घर में काम करे अलवानी, अरे हमने तो ये घर में राज करे अलवानी। सबसे पहले ही दोनों बचपन के अपना रास्ता से हटावे के पड़ी। ओकरा बाद रहल बात यशोदा की, तो बचपन के शोक में तो ऊ असही मर जाए। ओकरा बाद हमर बहिन मेनका बन के काली पांडे के अपना बस में कर, और सारा धन संपत्ति हमनी के नावे हो जाए। भैया, ऐसा हो सकेला का? काहे न हो सकेला, अरे घर में जब से आयल बानी तो रोज सपना देखा था, नहीं घर बाहर हो गई। लेकिन एक बात बा भैया, यशोदा दीदी के मरला के बाद उनकर देह पर जितना सोना चांदी के गहना बा वो सब हम पहिरब। अच्छा, हाय देखा बउआ भइल ना, झुंझुला पहले चाहिए। अरे पहले काम तो हो बेटा, काम हो जाए तो देखल जाए। भैया बोला, हमनी के पहला मिशन बा शिवा और ज्योति के रास्ता से हटावे के। बिहने दूध में जहर मिला के ओकनी के पिला दे। आप दहार दोनों बच्चा बड़ा हो गए ले सोदा, अब ये दोनों जाने की स्कूल भेजल जरूरी बा। बेटा स्कूल जाएगी ना? गुड दीदी जाजी। अरे ज्योति के दूध पिला देता नहीं जा, मौसी से दूध पिला। अरे तहार बहिन कितना प्यार करता रही हमनी के बच्चा से। तहार बहिन ही कहावत सत्य कर देली कि माई में या मौसी में कोनो अंतर ना हो। सांप तो सांप ही न हो गया। ए जीजा,
कहावत सुन ले बानी नु कि सांप के दूध पिया आई तो एक नाइट दिन दस्त हम तो कहत हनी कि कोनो सपेरा के बोलवा के इकुल सापन के ओकनिए के हवा ले कर। अरे बता ये नाग देवता हमनी के कुल देवता होंगे जरूर कोनो ना कोनो बात इसे वहां के हमनी के दर्शन दिले जे भी ओके गलती सही भगवान हमनी के माफ करस। जय हो नाग देवता की जय हो नाग देवता जय हो नाग देवता की। बेटा राशिद। बोलिए अब्बा जान। अब इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें इच्छाधारी नाग नागिन का पता चल गया। अब मैं हिंदुस्तान को बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा बेटा, तबाह कर दूंगा। लेकिन अब्बा जान, आप इतने बड़े हिंदुस्तान में उस इच्छाधारी नाग नागिन को आप कैसे ढूंढ पाओगे? हिंदुस्तान में एक छोटा सा राज्य है बेटा, झारखंड। वहीं इच्छाधारी नाग और नागिन से मिलेंगे। अब मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ बेटा, उस नाग और नागिन को लाने। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज अब्बा जान। आज तब बाल बाल बच गई भैया, पता ना उस सांप कहाँ से आ गई और हमने की प्लानिंग पर पानी फेर देलस। जायदा जान बचल तो लाखों पैनी। रउआ लोगन के जान की चिंता बा, हमरा दीदी के हार की चिंता बा। पता ना दीदी के हार हम कहिया पहरब। इनका के देखो, सोना रहा गेल आ कोयला पर छापा। नहीं कुछ समझ में नहीं आवत, हमने के जान जाता। नहीं इनका हार में प्राण लटकल बा, अगर दोबारा बोलू ना हार के बारे में तो मार के मुंह फोड़ दे। जायदा भैया झगड़ा मत कर। अरे भैया एगो बहुत बड़ खुशखबरी बा। का भरावन? का आज पूरा परिवार जेबानु देवघर जाता और हम ई गाड़ी के ब्रेक फेल कर दे। आज ही पूरा परिवार के कहानी खाता। शाबाश, अब बुझाता कि तू हमारा असली भाई। इतना अच्छा तो काम कर ले बाबा। काली बिहान की बात, पूरा प्रॉपर्टी पर हम ही राज होई। ई भाई नो बात। मैनेजर साहब। जी मालिक जी। हम फाइल पर साइन कर देनी है। भाई ले जाके धनबाद पहुंचा दी। हम जाता नहीं देवघर, रहुआ दोनों जने चल नहीं पलामू। वहां से हिसाब किताब जोन भी हो के हमरा के फोन करी। हम फोन में समझा देम कि आगे का करे के बटे। प्रणाम प्रणाम। क्या बात बस, सारा गिरोह यहाँ भोरे भोरे खड़ा बा। अरे जीजा जी, अभी घर के जिम्मेदारी हमारे के ना बा। बिल्कुल ऐसे काम थोड़ा ना चली। आज्ञा दी ना हमने खातिर का आदेश। अब रउआ लोगनी के हमका आज्ञा दी। ये घर राउर लोग के बा, हमनी के देवघर जाता नहीं, दो दिन के बाद लौट के। तब तक लिए घर के सारा देख रेख रउआ लोगनी करे के बा। आराम से जाए, घर के सारा जिम्मेदारी हमनी के बा, घर के बाल बाका भी नहीं। अरे दीदी पहले तू देख लो अपन भाई लोग के। आज ही सारा जिम्मेवारी लोग निभाओ था कि ना। खूब बढ़िया से ध्यान रखिए लोग। बाय बाय। बाय बाय जीजा जी, हमेशा के खातिर। एक बात कान खोल के सुन ल जा, आजे से रोबे के प्रैक्टिस शुरू कर दे जा। ऐसे कि काल खबर मिलला के बाद जब छाती पीट पीट के चिल्ला चिल्ला के ओढ़निया ओढ़निया के रोब जा, तो दुनिया के ई लागे के चाहे कि एकनी के मरला के बाद सबसे ज्यादा दुख हमनिए के भइल बा। तू लोग ई बात के बिल्कुल चिंता मत करिया, काहे कि ड्रामा करे में हम पीएचडी कइले बानी। अब तो दीदी वो सोना के हार जल्दी से हमरा के पहने के मिल जाए। अरे काहे ना, चला 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 चला। हाय देखा भिखारी के बेटी, चल। ये
हो गए मालिक? हाँ मालिक, सब ठीक हो गए मालिक। नाग देवता के आशीर्वाद। अरे भैया काहे परेशान होता रहे? अरे ऐसा काम कर देले बानी कि अगला 7 जन्म तक ओकनी की आत्मा है घर में ना भटकी। लेकिन भैया मरे के तो अभी तक कोनो खबरे नहीं खे आई, मर तो गई हुई सन्ना। हमरा तो बड़ा डर लगता। बुलावन पाड़े हमार नाम हो, हमार काटल पानियो ना मांगेला। सही बात, अभी तक उन लोग के राम नाम सत हो गए लोग। अरे भैया नाम ले ला, हो देखा लाश हाजिर हो गई। देखा 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 आ गई लाश। अकावन गाड़ी तो सही सलामत लोग। दीदी ओ भैया ये तो साचा हो जिंदा बाड़ों सो, लेकिन ये भाज कैसे गिल हों सो। आओ यशोदा आओ। अरे ये तो हमरा नहीं के बुझात, कैसे जिंदा बच गए सो? आय हमरा तो जिंदगी में लगा था कि घासे काटे के लिखल बा। पकावन कैसे ब्रेकवा फेल कर ले रहे रे? भैया हम तो साचहू ब्रेकवा सही में फेल कर ले रहनी, लेकिन ये सब कैसे बच गई लन सा, ये तो हमरा खुद ही नहीं के पता चलो। का जाने भगवान का कर दे ले। लेकिन भैया एक बात तो तय बा, एक कोलहन के मौत ना हमरे हाथे लिखल बा। तेरे कुल देवता नहीं है, ये एक इच्छाधारी नाग और नागिन है। मैं इन्हें पाकिस्तान लेके जा रहा हूं और इनसे ऐसी दवा तैयार करूंगा जिससे तुम्हारा हिंदुस्तान तबाह और बर्बाद। पाकिस्तान
जो नाग देवता के बीच से सारा हिंदुस्तान के तबाह करके सपना देखता रे, तनी सोच 125 करोड़ जनता के भीतर कितना ताकत होई। सारा हिंदुस्तानी तोरा देश के तरफ मुंह करके फूक दिनो तो तोर पाकिस्तान के दुनिया से नामो निशान मिट जाए। और जब तू लगा के लगातार तोर खून पी जाए। तुम्हें और तुम्हारे नाग देवता में अगर इतनी शक्ति है तो मुझे रोक के बता, मैं इन्हें पाकिस्तान लेके जा रहा हूँ। मलकिनी के मरले 13 दिन भी ना भई और एकनी के जाल बिछावल शुरू कर दिला सन। भगवान एकुल के कब माफ ना करिया, पिलुआ भरी एकुल के पिलुआ। ए सनीचरी, अब हमार जीजा जी के सेवा के करी। हमने के जीजा जी तो भरल जवानी में बेसहारा हो गई नी। छोटन बच्चा के कौन खियाई, कौन पियाई, कौन सुताई, आई हो दादा। ऐसा काहे बोला दादा भैया? जीजा जी के हमरा रहते ये घर के खुशी केहू नहीं के छीन सकत। अगर जीजा जी चाहिए तो हम इनका दोनों बच्चा के मौसी से महतारी बने खातिर तैयार बनी। वाह, एकदम सही बात हो। रवा जैसा त्यागी दुनिया में केहू ना होगी, केहू ना होगी। जीजा जी, रवा हमार दीदी से शादी करे खातिर तैयार हो जाएं। चुप अभी जा लोग नहीं, चुप चाप यहाँ से जा लोग नहीं, जा चला दीदी, चला भैया, चला अभी जीजा जी के चला ठीक नहीं खेला बात में होती तो बाहर ही बंदे, चला 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 लोग। हे नाग देवता, ई जालिम सबन से अब रहुए ही घर के बचा सके नी, कृपा करिया। छोटन बच्चा के कौन खियाई, कौन पियाई, कौन सुताई, आई हो दादा। ई घर के खुशी केहू नहीं के छीन सकत। अगर दीदा जी चाहिए तो हम इनका दोनों बच्चा के
मौसी से महतारी बने खातिर तैयार बनी। एकदम सही बात हो। जीजा जी, रवा हमार दीदी से शादी करे खातिर तैयार हो जाई। जीजा जी, ये का हालत बनवले बानी? कब तलक दीदी के याद में ए तरह तड़पत रहब? सनिचरी। हाँ जीजा जी। पकावन ठीक कहत रहे, दोनों बच्चा के माई के जरूरत बा। हमने की चाहत कि हमार बच्चा सबके अनाथ के जिंदगी जिए के पड़े। का तू हमारा बच्चा सबके माई बने के तैयार बाड़ू? काहे न जीजा जी, हम राव और राव दोनों बच्चा के जिंदगी भर ख्याल रखब, इतना प्यार दे कि दीदी के याद कबो ना आई। तो जीजा जी काहे कहत रहू, आज से तू हमरा खातिर हमारी यशोदा बन, आज से तू हमार दोनों बच्चा के माई हो। सनिचरी, मौसी और मतारी में कोनो अंतर ना होके आज से हमार दोनों बच्चा के हमरा कभी यशोदा के कमी ना। हम तो ऐसन ख्याल रखब कि तोहार जिंदगी के नरक बना दे। अब ई घर के असली मालकिन हम हैं। हे भगवान, कैसन जमाना आ गई। हम पहले स्टेट के मैनेजर रहनी, आज घास छिलता नहीं। कार्य असिस्टेंट वा कहाँ बने रे? हम एने बानी मैनेजर साहेब। का हो, काहे चिल्लात बानी? का कही, कबो हम स्टेट के मैनेजर रहनी और ते असिस्टेंट मैनेजर रहले। कैसन भगवान समय बदल दिहलन कि आज हमनी के घास काटतन। हौ देखौ, गोबर काढ़े वाला अनपढ़ गवार अब स्टेट के मालिक हो गइल बा। उल्टा पेपर पढ़ता उल्टा। अरे मैनेजर जी सरकार, एने आओ। आगे नहीं सरकार, आगे। हम बोली सरकार, बोलल जा। का हाल बा देश की? सरकार, पेपर रउआ पढ़ता नहीं और देश के बारे में हमरा से पूछता नहीं। सरकार, पेपर वा उल्टा बा। ये हमार मजाक उड़ा होता है। आता ना जूता मारम के कपार पर से केस उड़ जाए। ले, पकड़। पार्क सुनाओ। हाँ हाँ, पढ़ी 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 मैनेजर साहब, पढ़ के सुनाई सरकार के। सरकार खाली अंग्रेजी अखबार पढ़ी नेनू। पढ़ा तरह के दो चार लपड़ दी तोरा के। पढ़ता नहीं। रामगढ़ जिले में दो भाइयों ने अपनी बहन की सारी संपत्ति हड़पने के लिए अपनी चचेरी बहन की हत्या करके अपने बहनोई से करवा दी और शादी के बाद अपने बहनोई का भी हत्या का प्लानिंग किया। पुलिस दोनों भाइयों को पकड़ के लात जूता डंडों से इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की कि उसका हौगल मुतल सब बंद हो। हमने के खबर अखबार में कैसे छप गए? सरकार, रउ माथे पे हाथ धर के क्रिया खा के कहता नहीं सरकार। अगर रउआ के नहीं के विश्वास तो रउआ पेपर में पढ़ के खुदे देख ली सरकार। अरे सरकार, अगर पढ़ल लिखल रहती तो खुदे ही ना पढ़ लेती। फाड़ के फेंक दसन अखबार के। और ध्यान रहे, ये हवेली में कोनो अखबार उखबार ना आवे के चाहिए। जा सन, अपन अपन काम करा सन। जी सरकार, जी सरकार। चलो चलो असिस्टेंट। शिवा, एक घंटा पहले
पहले तोरा के जूता लावे के कहले रह। इतना देर काहे भइल रे? मामा बड़का मामा के साबुन लगा के नहावत रहनी हो। जबान लड़ावत रे, हमरा से जबान लड़ावत रे। हमरा से छोड़ दे तोरा के। जूतवा कौन पहने रे? तोर बाप। जल्दी पहनाओ। हम पहनाओ तेरी मामा। मैं नाखून गड़ा दे ले। हाँ, बोल। मासूम पे कितना अत्याचार हो रहा बा। जे घर के मालिक बा ओकरे के नौकर बना के रख दे ले बाड़े सन, और जे घर के नौकर बा आज मालिक बन के राज करता। मामा बड़का मामा रख के बचा ले। बड़का मामा देह पिराता ता मालिश करवाला ना? दीदी हम मेकअप करत बानी। ठीक बा, तनी जोर जोर से दबाओ। डेढ़ पसेरी खा लू आ मालिश करे में बाप मरता। जोर से लगाओ। माई का मालू, माई माई बचाओ हमरा के। माई देखो मामा लोग हमरा के मारत रे। माई कहां भाई देख रहा है? कमरा में बिना पूछे घुस सके? हाँ, तोरा के लाश देखे आवत बिना पूछले कमरा में घुस गई ले। तेल लगा पे खाए छोड़ दे। भैया मारा एक रखे। मारा भैया जोर से मारा। लगा था भाई पर चिंता मत कर, तेरी के हम मरना दे। और दिन भी बड़ा जल्दी आई तोनी के हमनी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाई। चल पैर दबाओ। हाय आज ला काफी बा। ए जोतिया लेके जोतरा। चलो मां के ऐसे चल 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 बैठा बे। दीदीया जब तक केकनी के ठोकाई ना करे लनु हमर हाथ के खुजल ये ना मिटेला। अरे ये तो कुछ दिन के बाद बा, ये तो हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए ये सबसे। छोड़ देबरा बच्चा के, छोड़ देबरा बच्चा के। फिर बुढ़वा से लगल बा। अरे का मरद सर हमरा बच्चा के बुढ़वा के फिर मरमत करे के पड़ी। चल हमर दोनों बेटा बेटी के छोड़ दे। काय मरद रे हमर बेटा के, हमर बेटा के छोड़ दे। हमर बाल बच्चा के काय मरद रे, काय मरद रे। बचाओ हमर बाल बच्चा के, बचाओ हमर बाल बच्चा के, छोड़ दे हमर बुढ़वा रे। बुढ़वा सर के अरे हम चले के पागल हो गेल बा। अरे ठीक करे पड़ी। मरता रे बेटा बेटी के। पहले ही बता के कलर है?
तोड़ा के बेटा के नाम पर वचन लिखे के। लेकिन अब चिंता करे के कौनो जरूरत नहीं खेल जा जी। वसीयत ट्रांसफर करे के तो लड़का की उम्र अब हो गई बा। बस कुछ ही दिन के बाद बा। जौना दिन तोर लड़का इस संपत्ति हमनी के नामे कर दी ना, वही दिन तोरा साथे साथे तोर बेटा और तोर बेटी के भी ट्रांसफर हो जाए। रे भगवान, वो दिन याद कर जब दोनी के खाए के बताना ना रहे, ये काली पानी दोनी के शरण दिले रहे। ये काली पानी वो दिन भर बनाएगी नजर रहे। के कहले रहे बिरनी के खोता में हाथ डालेगी, अब शरण दिल तो भोगा 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 भोगा। ये कर गया मर बाल बच्चे के 20 साल से धोनी के हमरा के अपन बाल बच्चे से दूर रख ले पड़े। रे तू धोखनी के सौतेली मतारी है ही, तोरा दिल में दया नहीं के। रे पति है तुहार पति, पति है तुहार तोहरा से शादी हम तोहार लड़का खिलावे खातिर ना कहले रहे, बल्कि तोहार प्रॉपर्टी खातिर कहले बानी। हमार नाम सनिचरी हा सनिचरी, जौना घर में कदम रखेली ना वो घर में सनिचर ग्रह लग जाला। अरे तोहरा जैसा बुढ़ा से शादी करके ता हम खुद पछताता नहीं। और हाँ, अब तू तीनों जने के मिलन ना ऊपर परलोके में होगी। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर आपकी बेर चले ले ना तो मुंह में कपड़ा ठूस के उल्टा लटका के मारब। का बुझ ले, चल भैया, चल रे दीदी, चल भैया, अरे बुलाओ, चल चल रे मर बाबू जग मत बलिया साथ मर बलिया साथ। ठीक है, डर से बेटा के नाम से वसीयत कर दे ले। मर बाबू जग मत बलिया साथ। हे भगवान, मर बाबू जग रक्षा करी। कितना मरले बड़े सामरा भैया के, बहुत दर्द होता ना भैया। मार खात खात पूरे देह पर ठेला पड़ गई बा ज्योति। हमरा अपना घाव के दर्द देखे हो जब मेरी के तारा ऊपर अत्याचार करे हो सुना तो कसम से करी जा फसल। कैसे न भागा भाई बानी, ते अपन बहिर के रक्षा भी देखे कर पावत। रुआ मत भैया, रुआ मत, एक दिन भगवान हमने की भी जरूर सुनिए, जरूर सुनिए। सब सोच के लिए सर हम जाता रही तारा के कुछ खाए के लेके आ। ना भैया तू मत जा, यदि के तारा के ऊंचा देखी तो फिर तारा के सब मरी है सब। मत जा भैया, हम अपन आंसू पी के अपन पेट भर ले। मत तू मत जा, तू मत जा। ओकरे के सूत के लिए सुन ज्योति भैया, हम तारा खाती कुछ लेके आओ तनी। ना भैया हम अभी आओ तनी। मत जा, तारा ला खाना हम लेके आओ तनी ज्योति। 3 दिन से भूखे पड़ू तू। पेपर सब तैयार हो गल नो पकावन। अरे भैया, वकील से मिलके एक हफ्ता पहले ही हम प्रॉपर्टी के सारा पेपर तैयार करवा ले रहे। शिवा के 24 साल के होखे में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गई बा। 3 दिन बाद ओकर अंगूठा के निशान लेहला के बाद दोनों भाई बहन के गाड़ी में बैठा के पहाड़ी से नीचे फेंक देवे के बाद बाकी लोग यह समझी कि दोनों एक्सीडेंट में मर गए। मतलब कि हमने के 20 साल के तपस्या के फल 3 दिन में मिल जाए। एके मतलब कि सारा संपत्ति पर हमने के राज हो जाए। ई कैसा आवाज आए, देखा देखा पकावन। हा?
भैया देख क्या बता देखा हाँ देखा घर में चोरी कर अभी घर में चोरी करे लगा अरे कहाँ रहता सुहानी मेरे एक करता हाथ गोड़ बांध के गतरे गतरे लोहा से धागे के पड़े हम चोरी ना करते रहे मामा चोरिया तीन दिन से भूखे पिया ए मामा अगर हमारा के खाना ना दे बना तो हम साले मगर उनको भूखा मैं तो पता नहीं होला ना मामा दिन पे खाना खैबा सन तैता हवेली बिका जाई रे आज के बाद तोहनी के हफ्ता में सिर्फ दो दिन खाना मिली और आ रे कौन हमनी के बतियावत रही जा ते सुन ले हका ना मामा हम कुछ ना सुन रही है बाबा ना सुन ले ना मामा पक्का जान से मार दे यहाँ से काम के न काज के दुश्मन अनाज के सहारा मूड खराब करके दलन सर चल दे दे चल चल बहुत तेज भूख लागल बा मुर्गा भात बनल बा भैया कले रली ना कि मत जा हमार भूख तरह तकलीफ से ज्यादा नहीं के चोरी सरकार इली दोनों आदमी खाना खा लिए हल जा तू हमरा के छोटे सरकार काहे कहला ते घर के नौकर है ना सरकार ई घर के असली मालिक तो रहुआ है सरकार ई झूठा बिल्कुल झूठा ई झूठ ना सरकार ई साच बा ई घर के लालच में रौर सौतेली मतारी और उ दोनों मामा राक्षस हो गई बा रउआ लोग के मारे के प्लानिंग बनौले बा हम कहे रउआ दोनों आदमी एत ही से कहीं भाग जाई लो भाग जाई एत ही से ही घर छोड़ के भाग के कहा जाई मनेजर चाचा एक मेरी भागे की कोशिश कैले रही मामा मार के हमार टंगरी तोर दलन अब हमनी के ना बच पावली ज्योति रउआ लोगन के केहू तरह भागे के पड़ी सरकार ना तो कभी भी आके रउआ लोगन के मार सकत रहसन सरकार मैनेजर चाचा सही कहता रे भैया इजा रख के मार खाइल से अच्छा बा कि हमने कहीं कहीं दूर चल चल जाओ कहीं ना कहीं कि वो ना कि वो हमने की जरूर मिल जाए चला चला बेजा ना रहल जाए चला रुवा खाना तो खाली सरकार दोनों आदमी खाना तो खाली लोगी अतरे मार खाइले बारी मैनेजर चाचा तुम्हारे से पेट भर गई बा चला ज्योति नाग देवता ये लोग इनके रक्षा करिए अरे मैनेजरा जी सरकार सच सच बताओ शिवा के कहां भगले बारे हमरा कहां पता बा सरकार हमरा तो रउआ लोग इनके चमचागिरी कैला से फुर्सत कहां बा हम तो रउआ लोग इनके मुड़ी पे हाथ रख के क्रिया खाता नहीं सरकार अगर हम झूठ बोलत होखी तो रउआ लोगन के कोर फूट जाई आग बह जाई माने हमार सरकार एकरा के छोड़ा भैया ई दल बदलुआ के का पता होगे उ बुढ़वा के जरूर पता होगे तू ठीक कहता रे बुढ़वे के टाइट करके पड़े हाँ भैया अरे मैनेजरा जी सरकार ऐसे ही सेवा के पता चली हमनी के खबर करिए चलो 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 बढ़िया से बड़ा मत कहिए तब बताएगी कहां भागिले बा अरे काली पांडे तो हार बेटा बेटी
हमने के धोखा देके भाग गए। बोल कहाँ गए? बाहर बेटा बेटी। भाग गए की तो इनको करके मार दला सन। तू बात कान खोल के सुन ले। अगर हमार बेटा बेटी है कुछ हो गए लू, तो तोरी का जिंदा ना छोड़े। अभी तक होकनी के मर ले नहीं की जा हमने के। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, तोर जे बेटा बाना अभी तक प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन लिखे गई। सराफत से पूछा था ओकनी के पता बता दे, वरना एक टंगवा से ता लंगड़ कैले ही बानी, दूसर को टंगवा तोड़ के लंगड़ कर दे। ना बताए हम चार आदमियों के मते ना बताए कि हमारे बेटा बेटी कहाँ गई था। बहुत अच्छा भाई के तो नहीं सर राक्षस के चंगुल से ओकनी के छुटकारा मिल गई। एकरा मरला से कोनो फायदा नहीं है। पहले वो दोनों भाई बहन के ढूंढल जरूरी बा। एकरा से तो बाद में निपटल जाई। क्या करे सारी तेरी? छोड़ के पहले शिवा के पता लगाओ। चल चल चल, हमनी से बच के दोनों भाई बहन कहाँ जाए? भैया हमने के कहाँ चल जाए? भैया हमने के तो केहू नहीं खे, कोनो कोनो रास्ता नजर नहीं खे आवत। चिंता मत करो ज्योति, हम बानी नो नाग देवता जरूर कोनो ना कोनो रास्ता देखाई है। भरोसा रखो ज्योति, सब ठीक हो जाए। जंगल में इतना सुंदर नहीं ना, उठाओ ले। Yeah.
करना। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नगीना भैया, के हो ये लोग, ये हालत के बनाई लस? अरे माई, ये लोग यहाँ पे नया हो, बस यही से कुछ गुंडा लोग आके एक रखे हैं, परेशान करते हैं। बस ऐसा मार मर ली ना उन लोगों को, किंतु मान नहीं आ रहा। तोहने की कहाँ के बाड़ा? चाची, चाची क्या है जा? हम सिवा आई हमार बहन ज्योति ही है। मामा असौतेली महतारी के अत्याचार से हमने के घर से भाग गई नहीं जा। ए दुनिया में हमने दोनों भाई बहन के अलावा हमने के केहू नहीं के। ऐसा मत बोला बाबू, ऐसा मत बोला। तू दोनों जने आज से हमरा के अपन माई समझा। तोहने के ऐसा करा, हमार घर ना यही जाबा, वही जा चल के बात कहल जाए। माई का अगर तू कहा तो रांची इनका घरे जाके इनका मामा मामी के ठीक करके आई का। चुप, बड़ी भचर भचर बोला तारू तू। अरे तोहरा के हाथ और लात के अलावा और कुछ आवे लगा? माई आज के दुनिया में ना लोग खाली लात जूता के ही भाषा समझे ला। चुप चाप चल घर। भचर भचर कर। ए तू का मौगा लेखा चला ताड़ा? हाँ तनी मर्द लेखा चला, चल ऐसे। अरे तने बढ़िया से लगाओ जूती। हैने लगा का हो गई बतरा हाथ में? हैने 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 लगा, हैने लगा। अरे हैनिया, अरे हाथ में दम निके काट रहा, का हो गई बतरा? हम ज्योति ना नगीना है। कपड़ा दो। बिना कपड़ा के तो तू बड़ा सुंदर लागता रे। हाँ हमर कपड़ा दो, हमरा लाज लगता। कैसन मरद बाड़ा? हाँ एगो लेकी से ले जाता रे, हम तोहरा के कपड़ा पहरा देता नी। काहे का पता रे? हाँ तारा हाथ में करेंट बा, लगता कि परान निकल गई। तो सिर्फ हाथ चटवाता तो तुम्हार ये हाल हो करता। सोचा जब तार से तार सटी तो तुम्हार का हाल होगी। हाँ बाप रे बाप, आग लग जाए, ब्लास्ट हो जाए। तो तनी सटावे ना आपन तार से तार, हम तो देखी कैसे हो करता। चुम्मा के बहाने तो काटल बग
के पानी पिया था। आओ। दो। भैया हाँ? पानी और आ गई। भैया बोल। जब से ज्योति घर में आई भैया देखा था नहीं की तो हर काम में मन नहीं खेला गत। कहता माई से बात चलाई का बोला बोल। मारा का मुंह तोड़ दे। कुछ भी कहा भैया भौजी बड़ी नीमन भैया। पता तो ना चलल सरकार लेकिन एक मौका और दी जिंदा या मुर्दा रहुआ कदमों में ला के हम डाल दे। मुर्दा ना रे कुत्ता जिंदा जिंदा चाहिए हमरा जिंदा। ठीक बात सरकार पूरा हम जिंदा लेके आई। चल रे गाड़ी निकाला सन। इतना आदमी से काम न चली पागड़ भाई सरकार और आदमी के लेके जाए का। जितना आदमी चाहिए उतना आदमी लेके जो लेकिन ओकरा के हमार नजर के सामने लेके आओ। जा तू जल्दी। चलो जल्दी चलो चलो सन चलो। हमरा दुनिया से कोनो डर नहीं है वो चिन्ना दान है। छोड़ा हमार पीछा कहिल बात मान बुझी प्यार में तोहरा नहीं खेती यार हमरा तनिको रुचि। नहीं नहीं कहीं के तू कहीं आले दरबा। नहीं नहीं कहीं के तू कहीं आले दरबा। बियाह बगे बियाह बगे बियाह बगे बाद आखिर उहे करम करबा। बियाह बगे बाद आखिर उहे करम करबा। छाप के रखा हो जाई कुछ गड़बड़ अगले मजा जन तू चाखा हो। आज नहीं मानम पिया कितना मन करवा। आज नहीं मानम चा...
हर अभिन कके रहा साबर हो चौभर चौभर करे वाला हो ना हम लवर हो यह कोई सोची सोची कहीं आले दरबा यह कोई सोची सोची कहीं आले दरबा बियाह बके बियाह बके बियाह बके बाद आखिर उहे करम करबा बियाह बके बाद आखिर उहे करम करबा हो करबा समझला कि ना हो दिलबर जानी चाची हमें तोरा से एगो बात करे के बा अरे माई बोले ना चाची सीमा जो बेटा तोहार तो कोनो गार्जियन नहीं खे अरे चाची ऐसन काहे कहतर हमने सब के गार्जियन तो तू ही न बाड़ू ता एगो बात कही हाँ कह ना मन बानू हाँ चाची बोला ता ठीक बा हम तोहनी चारों के बियाह करे के चाहता नहीं का विचार बा का माई नेकी और पूछ पूछ पगली और का जी रवा के ये रिश्ता मंजूर बने का हो तोहर का विचार बा I'm
प्रणाम सरकार, प्रणाम सरकार। हाँ जी सरकार, शिवा के पता चल गई। कहा भैया, शिवा के पता चल गई? टेंशन दूर हो गए, पूछ पूछ कहाँ बारे। ए कहाँ बा शिवा? ये डाल्टनगंज में बा, एगो बंजारन के घर में, जानकी देवी नाम होकर ओकरे घर में रहला। शिवा ज्योति का बियाह होके जाता है। बियाह ना, अकनी के श्राद्ध करब हम श्राद्ध। 10-12 आदमी जितना हो सके लेके जाओ और अकनी के पकड़ के नजर के सामने लेके आओ हमरा। ठीक है सरकार। याद रहे, जे भी ओकरा बचावे खातिर आई ना, ओकरा के जिंदा काट दी है। मालिक, मालिक उठी मालिक। का बात हो मैनेजर साहब? खाना खा ले जाओ मालिक। ना मैनेजर साहब, हमरा भूख नहीं के। बड़े मालिक, एक बड़ा खुशी के बात बा, छोटे सरकार अज्योति दोनों जने जिंदा बा लोग। का ये तू का कहता मैनेजर साहब? ठीक कहता नहीं, हमारे बेटा बेटी जिंदा बा। तू कहीं मजाक तो नहीं उड़ावत? ना सरकार, हम कसम खा के कहता नहीं, हम मजाक अपने से नहीं की करत। उ दोनों जन जिंदा बा लोग। हमारे बेटा बेटी जिंदा बा, हमारे बेटा बेटी जिंदा बा। हम तेरे के हाथ जोड़ता नहीं मैनेजर साहब, हमरे बेटा बेटी से हमरे के फिर मिलवा दा, हमरे के मिलवा दा, हाथ जोड़ता नहीं तेरा सामने मैनेजर साहब। ठीक बा बड़े मालिक, जब समय आ जाये ठीक समय पे वो दोनों जने से हम रउआ के मिलवा दे। सरकार हम जाता नहीं, ना तो वो दोनों हमरा के मरिए सन। रउआ खाना खा ले मालिक, हमार क्रिया। अरे मैनेजर आवता नहीं, हमार बेटा बेटी चिंता बा, चिंता बा हमार बेटा बेटी। ये श्रोता तो हर बेटा बेटी जिंदा बा, जिंदा बा तो हर बेटा बेटी। जय हो नाग देवता की, बेटा बेटी जिंदा बा। नाम है
एको साफ हमनी के सार आदमी के मुंह अदलस ई कैसे हो सकेला भैया वो कोनो साधारण साफ नहीं है बुझा। हां भैया हमरा तो बुझाता कि 20 साल पहले जौन साफ वो बच्चा लोगन के जिंदगी बचावले थेना हो ना हो ई उहे साफ होखे। हां मलकिनी वो साफ ई लोग के कुल देवता हवे। हमरा तो लागता कि वो साफ रोगा लोगन के कहीं काम तमाम ना कर देवे। हमरा तो सांपे से बहुते डर लागेला भैया कोनो तांत्रिक मांत्रिक होके तब बुलाई जान बा तो जहान बा। तांत्रिक के पता हमरा लगे बा सरकार कहीं तो हम बताई। बोल बोल जल्दी बोल। सरकार एगो बाबा 20 साल से समंदर किनारे तपस्या करत बड़े उनका के देखते सांप बिल्ली में घुस जाला कहीं तो रउआ लोग के लेके चली हम। पकावन हमरा विचार से ओकरा लगल चल जाओ। चल आवा। आई सरकार की हमें पाकिस्तानी बाबा पाकिस्तान से भाग के आयल बड़े पर ना पाकिस्तानी बाबा यह कहे सरकार उतांत्री प्रणाम बाबा। इनका डर से सब साहब बिल में घुस जाला इनमें के रोगा लोग के जान बचा सकेली। कौन है ये लोग और हमसे क्या चाहते हैं? बाबा बाबा हमने के रांची स्टेट के मालिक है बाबा। एगो सांप के कारण हमने बड़ा परेशान है बाबा। हमने के जहाँ जहाँ जात बानी वही जा बहुत जाता बाबा। हमने के खाल पियल हकल मुतल सब बंद हो गल बा। जब ये लोग सांप से बच जाई तो रांची स्टेट के असली मालिक के खून कई के मगर सारा धन संपत्ति हड़प के तब मालिक बन जाए लोग। दूसरा के सामने इस सब बात कहल जाए चल करे तुम्हें तो बता बता। बाबा अरे वो नाग नागिन से हमनी के बचा लिए बाबा। अरे वो नाग नागिन हमनी के जेल दुश्वार कइले बाड़न सो एक बार ओकनी से हमनी के जिंदगी बचा ली। फिर रउआ जितना कहब उतना पैसा रउआ के देवे खातिर तैयार बानी। बाबा कबो जीव निकाल के डरवावता तो कबो मुंह से आग निकाल के हमनी के डरवा रहल बा ए बाबा। बस एक बार उस सांप से मुक्ति दिलवा दी बानी। ऐसा कौन सा सांप जिससे तुम लोग परेशान हो? मैं उस सांप को देखना चाहता हूँ। हाँ बाबा चली ना हमनी के साथ दिखा देता नहीं चली कैल्टन गए बाबा। चली 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 चलो वो सांप कैल्टन गए में मिले बाबा। इतना मेहनत करला के बाद बस इतना ही कमाई भइल। अरे कौन है लो? अरे भांजा हमने तहरा के कहां कहां ना खोज ली कहां भाग गए रहले। हमार हाथ बड़ा दिन से खुजलात रहे बहुत दिन हो गल रहे तोहर पिटाई कैला। छोड़ हमने के रास्ता पकड़ ला सने के छोड़ अगर कुछ हो गए तो उनका खून छोड़
अरे भगना यह तो बड़ा सुंदर लड़की से रे कुत्ता हमारा बहन के अगर देह में छू दे ना तो तोनी के जिंदा धरती में गाड़ दे हमने का दमा बतावा नहीं तोहरा के पहला बेर हमार भगिना बड़ा अकलमंदी के बात कहले बा अरे भैया अरे लगवा एक संग उठा कागज पे अभी लगवा लगावा अरे भैया अब हमनी के करोड़पति हो गई नहीं जा करोड़पति ना भाई अरे पति हो गई नहीं भैया बुझाता अपने छोटे सरकार के एकनी के मार दिए सर अब एकनी के का कहिल जाओ एकनी के कल छिरा के आग लगा दो जाओ वो नाग और नागिन कहाँ है अरे एकनी के डर के मर जाए और नाग और नागिन के खोज के निकाल दे हम जा ए पेट्रोल छिड़का सर कारे बने जरा जी सरकार वो डर के मरे के बाकी चले के ना सरकार हम तो रोवे पार्टी के बने चली चल 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 हे नाग देवता ये लोग के रखे हैं निभाना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारी जान बची है उसका बदला हमें लेना पड़ेगा हाँ नागेश इन पापियों के पाप का घड़ा भर चुका है इसलिए इनका अंत करना जरूरी है हाय देखा जीजा जी तो हर बेटा के अंगूठा के छाप हमने के ले ले बानी अब तो हार पूरा संपत्ति के मालिक हमने के बानी एगो बहुत बड़ खुशखबरी बा जीजा तोर बेटा बेटी के हमने के मार देने जा बड़ा मन रहे ना तोर अपना बेटा बेटी से मिले के तोरो सपना पूरा हो जाए सपना तो पूरा हो ये रुक जाए सरकार रुक जाए हो देखी पेपर पर से मुठा के निशान उड़ गए बा इस तो सच हूँ अंगूठा के निशान मिट गई बा आई हो दादा ये कैसे मिट गई पकावन तू पक्का निशान ले ले डाला ना अरे हम सच हूँ अंगूठा के निशान ले ले रहनी ए भैया हमने के तो फिर से भिखारी के भिखारी रह गई नहीं हो अब का होई अरे भैया हाथ पे हाथ धरे का समय नहीं के हम तो कहता नहीं कि हमार बात माना गाड़ी निकाला चला डाल्टनगंज शिवा के बचावल बहुत जरूरी बा बीस साल के तपस्या पे पानी फिर जाई हाँ ठीक है दादा देखी सरकार अभी तक ले तो उलट डर के मर गई होगी फिर अंगूठा केकरा से लगवाई कम से कम होकर हाथ तो मिल जाए ना तो हमने के बर्बाद हो जाए बहस मत करी जल्दी चली ना तो फिर से झाड़ू पोछा करेगी पड़ी अरे भैया पहला पेपर चला
जल्दी गाड़ी चालू कर, सीधा गंगोत्री स्टेशन लेवल पहुंच जाओ। तुम्हारे बाल बच्चों को मार देना। रवा चिंता मत करी मालिक, रवा चिंता मत करी। भाई देखी पेपर पर से अंगूठा के निशान मिट गई। नाग देवता के सब चमत्कार बा, हमरा विश्वास बा मालिक, वो लोग यहाँ भी हुई एकदम सही सलामत हुई। जय हो नाग देवता, हमारे छोटे सरकार के रक्षा करो। तुम्हारे बाल बच्चों के रक्षा करिए नाग देवता। मामा हमने के बचा ली, अब हमने के घर छोड़ के कब्बो न जाइब जा। पकावन, अरे कहीं सपना तो न देखा था नी? हाँ भैया इसे नहीं बुझाता। अरे तेरी दांती काटा था? ये कहाँ दांत काटे के खेल खेला ताड़ा लोग? ये सपना ना सही है, हटा देखा था? हमार बेटा, हमार बाबू घरे आ गई। अब हम तोनी के छोड़ के कहीं न जाइब माई। तोरे बिना हमार रो रो के बुरा हाल हो गेल रहे बेटा। ये क्या? ये तो हर पतो है। कितना सुंदर पिया हमार पुतो। दोनों मामा हमरा के बहुत मरले हैं, बहुत दुखाता। बहुत दुखाता? ये दोनों के हाथ में तो कोर फूट जाई। हमार बेटा के कितना बेरामी से पिटलस हा। ये दोनों ना अगर अगली बार तोहरा के बेरामी से पिटलस ना तो तू हमरा के बताइया, ये दोनों के हाथ पैर तोड़ दे। अरे भगीना माफ करता भगीना, हाथ उठाने क्रिया खा के कहता नहीं, आज के बाद कबो तोरा पे हाथ ना उठाई। हाँ भगीना, ए भैया तने ए भगना हमरा के माफ कर दे भगना, अब तोरा पर कहियो ना हाथ उठाई। ले भगना ये कागज पर जल्दी से अंगूठा लगा दे। अरे आता ना जल्दी काबा मामा, आ गइल बनी जानो खाना उना खैला के बाद। ए माई हमारा बहुत जोर भूख लगल बा, खाना उना ना खेबू। हाँ हाँ बेटा, पहले खाना वाना खाला फिर अंगूठा लगा दिया। चला तू चला बहु, चला चला भगवान राउर लीला परम्पार घर के चिराग के बचा ले। जय हो नाग देवता, जय हो नाग देवता। मालिक मालिक, अरे है देखे हम केकरा के लेके आयल बानी। उठी मालिक, छोटे सरकार। क्या है मैनेजर साहब? राउर बेटा बेटा छोटे सरकार, भाई राउर पतो बड़ी नगीना का हमार बेटा। शिवा जी तू कहाँ चल गिरला हमरा के छोड़ के? बाबू कहाँ चल गिरला हमरा के छोड़ के? कहाँ चल गिरला? हम तो रह गए का गाना गुजनी। 20 साल के बाद तो रह गए करजा से लगे नहीं है बेटा, करजा में ठंडक पड़ गई। अब तू हमरा के छोड़ के कहीं ना जेबा बाबू, हमार बेटा अब हमरा छोड़ के कहीं ना जेबा ना बाबूजी। ज्योतिया कैसन भैया? भैया एकदम ठीक भैया बाबूजी, ओकर शादी हो गई। का? हाँ आऊ बहुत जल्दी रुआ से मिले खातिर आई। अच्छा रोई मत बाबूजी, अब हम आ गिरी लो। बहुत याद आत रहे। हाथ से वो चालीम सबन के रोई के दिन शुरू हो गए बाबूजी। अच्छा।
साथ चल के लो। है का? ये तो बुढ़वा के साथ लेके आ गई। बेटा ये तो हर बाबूजी बाड़न। हमार बाबूजी से मुलाकात भइल। देखा ना खारे में घुसे रहेलन, कितना कहली कि बाहर भीतर आई जाई, पर हमार बतिये ना माने ले। कितना बार जीजा जी के कही ले जा कि बाहर निकलल कर, घूमल फिरल कर, लेकिन ही हमने के बतिये ना माने लन ता। सब बेटा इस सब झूठ बोलता रह सर, इतार मतारी नहीं के डाइन या डाइन। बीस साल से ही तोरा जबर के दूर रख ले बड़ा सर, 20 साल ले ये घर में बंद करके जानवर ले कमरे के रख ले बड़ा सर। बेटा लेकिन की बात पर भरोसा मत करिए बेटा, चलो हम ये कहीं दूर चले जाइए, ना तो ही तोरा के मार दिया सन बेटा, फिर जबरा से तोरा के छीन लिया सन बेटा। चाहे जी बाबूजी, रहुआ हमरा की मिल गई ना, अब हमरा कुछ ना चाहिए। सारा धन संपत्ति इन लोग के देके हमने के कहीं दूर चल चले के। नगीना बाबूजी के तनी बाहर ले जाता हूँ। चलिए बाबूजी। सुना बेटा, चाहे दी बाबूजी, चलिए के डाइट है वो सर, अच्छा से वो सर, जल्दी आओ बेटा। बेटा आओ बैठो, खाना खाला, भूख लागल होई ना, हम परोसा तानी ना माई। मामा ले आवा पेपर, हम अंगूठा लगावे खातिर तैयार हैं। ला भगना, ला भगना, यही जो अंगूठा लगावे के बाद भैया स्टैंप आ दा, दा दा दा। अरे ये क्या कर लेते? इतना हिम्मत करते कागज फाड़ दे ले। कि तू हमरा भाई पे हाथ उठे। बड़े मालिक छोटे सरकार, कितना सुंदर पतो हो लेके आयल बानी, देखला पे मियाज खुश हो जाता बड़े मालिक। अरे चीजा जी, अरे चीजा जी, अरे बचा ले चीजा जी, अरे बचा ले चीजा जी, हमरा के बचा ले चीजा जी, हमरा के बचा ले। अरे उसी में हमरा के बहुत पारा था चीजा जी, अरे बचा ले चीजा जी, हमार जान बचा। हाँ तो मारो मारो, हमने के बहुत पारा था चीजा जी, हमारे लिए बचा ले, सब खाई ना। अच्छा ले बाबा, अरे 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 हमार बाबूजी पेपर में बेटा तनो कुछ लिखे बेटा, तो हम पागल हैं मामा, कौन सा मामा सर, एक तरह हमारा प्रश्न तो है कि पर क्या ही हमने किया, हम हाथ जोड़े ताने रवो से बचा ही हमने के, देखी हमार भाई के पूरा कपड़ा गहना उतार, ठीक बा, और वही कपड़ा दी जौन कपड़ा पहन के पहिलका मरतबा घर में आई जाओ, अगर न उतार सन घंटा मार के उतर। लावन बाबू तेरी जल्दी कपड़वा खोली तो हे पकावन खाते के दरे जल्दी खोल खोल जल्दी सिकरी वाले ला साफ ले ला मार के ये ला भैया भैया भाग भाग जल्दी जान बचा मेरे दादा। आज हमरा करे छ में ठंडक पड़ गई, बड़ा दुख देलर ला सैनिक नी के बेटा, आज मन खुश हो गई बेटा, आज तो हर माई की आत्मा बहुत खुश हो गई तोहरा के रूप में देख के। बाबूजी बहुत खुश हो गई लोग। भैया
आज पता चलो कि समय कैसे बदल जाला। समय हमने के नेखे बदल हो पकावा, हमार सीवा बदल गई, पता नहीं ओकरा में कौन चल सकती सब आ गई। कि हमने के धोबी के कपड़ा के तरह पीट पीट के पीट पीट के पीट पीट के धोबिया पाट के तरह मारला सा। ओ भैया पता लगा बा भैया, काहे कि ई अपन सीवा नहीं खे बुझात। हमरा तो बुझाता कि जैसे सीवा में केहू दूसरा के आत्मा समा गेल बा। सही कहता रू दीदी, सब पता चल जाई, सब पता चल जाई। लेकिन हमरा के बहुत जोर से भूख लगल बा बहिनी, अरे कुछ खाना उना खिलाएबू? चल हम खाना खिलावत नहीं। हाँ हाँ जल्दी चला, जल्दी चला चला। अरे माई कहाँ जाता रू? तुहार मामा के भूख लागल बा बेटा, उनकरे खाना खिलावे ले जाता नहीं। आता ना जल्दी जल्दी खाना खाइबू तो हमार तो पूरा महले बिका जाए। हफ्ता में सिर्फ 2 दिन खाना मिली, चला चलो काम करो। अरे जा जा जा। जी छोटे सरकार। इकानी के 3-3 दिन पर खाना दियो। जी सरकार। आज शाम के काम खत्म भइला के बाद इकानी के सूते के व्यवस्था सर्वेंट रूम में कर दियो। आ सुनल हो, अगर ए माहौल में कदम रखे की कोशिश कर लो तो टंगिया तूर दे। ना तो हमरा के नौकर के घर में नींद ना आई भगना ना आई। जब हमनी के एक घर के असली मालिक हो के 20 साल तक वो कमरा में सुतनी जाए तो तुहनी के तो पैदाइशी भिखारी हो सब। तुहनी के नींद ना आई, चल भाग यहां से। ससुर वो सुतला से पहले ना आके हमार देह दबा दे, बिना देह दबाइले हमरा के नींद ना आवेला। आ जाइए हां जी। सुनी ना, हमरा के बाजारे ले चली ना, तनी हमरा ला नया नया कपड़ा कीन दी। हाँ हाँ काहे ना, आखिर तू ये स्टेट के मालकिन हो, चला कीन दे तनी। सासू माँ राती के आ जाइए, बिना तेल लगवाइले हमरा के नींद ना आवेला। एकरा के कहल जाला शेर पर सवा शेर। का रे भुलावन पाड़े, का कहत रहले हमनी के मैनेजर? आ आज के बाद से हमनी के मैनेजर साहब कहब सन। का कहब सन? मैनेजर साहब। हाँ ना तो कुछ और ही कह दहला लोगिन तो मार के मुहे फोड़ दे। तोहनियों के बदल गए, जेने देखले खीर ओने गए फिर। अरे हमनियों के फिर समय आई, घबरा सन मत, आई समय आई। अरे ये तो संसार के नियम बा, जेकर पार्टी मजबूत होला ओकरा में ज्वाइन कर लियल जाला। पहले तोहनी के पार्टी मजबूत रहे तो तोहनी के संग रहनी, आज हमरा मालिक के पार्टी मजबूत बा तो अपन मालिक के संगे बानी। चल जल्दी काम करे, चल काम कर, चल जल्दी। पूजा का खड़ा बनी, चली जल्दी आई, तेल लगा दी, चली हमरा की नींद नहीं खावत, आई जल्दी।
याद आवता। चल भाग गई जैसे, चल भाग। और हाँ, बिहाने जल्दी आ जाइए, वरना मार मार के टांग तोड़ दे। चल भाग। तो का सोच ले बानी रउआ लोगन, हम तो कहता नहीं भाग जाए जा अपने गावे, ना ही घर में इज्जत बा ना प्रतिष्ठा बा, पतो हो के सास से दी दफावत पिया, मुंह में सतुआ सन ले बड़ा, बोल बा कुछ हो। अरे आगे सब ठीक हो जाए, इतना जल्दी हमनी के हार मान ले, बहुत बेइज्जती करला सा, इतना जल्दी हमनी के हार ना मानब। तब का करबा, आज तक कुत्ता लेखा दौड़ा दौड़ा के मरला सा, बिहार चारों जने के चीता यही जा जरा दीता। हमनी के चीता जरावे से पढ़ ले, हम ओकर चीता जरा दे, इस तरह हाथ पे हाथ धर के बैठला से काम ना चली, तब पता चला कि जोन संपत्ति बान हमनी के हाथ से निकल गए। वो सब तो ठीक बा, भूख से जान निकल जाता, तीन तीन दिन पे खारा दे तो हम तो मर जाए, हम ना रहे भी घर में। का करी, हम तो हर बाप के घर जाए, भिखारी के बेटी इतना मारम इतना मारम तोरा के ना बार बार तोहर बंद हो जाए। मारा ना मारा, बोल बे, बोल बे, जब तक कुत्ता जैसा लड़त रहे लालू तब खोल करके धैले पड़न जा। अरे ये सोचे के चाहिए कि ओके नीके कैसे मारे के बा, कोनो उपाय सोचे के चाहिए तो जब तक तब दम खोल जे केले पड़न जा। हम तो सोचा था नहीं कि कोनो तरीका से आज के रात ओकने के हम मार दी। तो ठीक कहा तेरे पकावन, ना रही बांस ना बाजे बसली, मार दे खुली के। मार दे आप दे ओकने के। पढ़ला अखिया के भाषा सैया लाज लागे भूले के बतिया कहे लाज लागे बोले में, वो कहता दिलवा के बतिया कहे लाज लागे बोले में। जब हमके मान लेले बाड़ू सजनवा, काहे सकुचाला तब गोरी तोहर मनवा, हाय जब हमके मान लेले बाड़ू सजनवा, काहे सकुचाला तब गोरी तो हर मनवा, काहे के चाहे तो से ढेर सारी बतिया, ना जाने काहे पिया धड़के ला छतिया। तक कहता दिलवा के बतिया कहे लाज लागे बोले में।
चनिया प्यार बिन सुनावा हमार जिंदगनिया पूरा होई मन के आशा कहे लाज लाग बोले में हो पढ़ला अखिया के भाषा सैया लाज लाग बोले में लाज लाग बोले में लाज लाग बोले में दिल के भेद खोले में पढ़ला अखिया के भाषा सैया लाज लाग बोले में हो कहता दिलवा के बतिया कहे लाज लागे बोले में तू कहता रू कि घर छोड़ के चल जाएगा। अरे वाह, ऐसे कैसे घर छोड़ के चल जाएगा? तनिको दिमागे नहीं खेल। काका ना कहीं नहीं जाए घर खाते। बतावा भैया, वो दोनों के मारत मारत लेका से जवान कर देनी जा। और आज ये कहता रू कि घर छोड़ के चल जा। मर जाए भी घर में कबर खोदा जाए, लेकिन ये घर ना छोड़ा। अगर ये दोनों नाग नागिन हमें तासली सिवा कहाँ गए आखिर? सोचा हाँ पका, तू ठीक कहते बारे। सोच सोच जल्दी उपाय सोच, सही में असली सिवा कहाँ गए? ए भैया, हम तक कहता नहीं कि वो पाकिस्तानी बबुआ से मिल जाओ। वही कोनो ना कोनो उपाय करी, एकनी के मारे खातिर चाहे हमनी के जितना पैसा लग जाए दिहल जाए, लेकिन वो पाकिस्तानी बबुआ के लेके आवल जाओ अपना हवेली में। हाँ भैया तू ठीक कहता रहा, तू ठीक कहता बगावत। चला वही बबुआ यही नागिन नागिन के पकड़ के ले जाए और असली सिवा के पता लगाए। दीदी अब तो हली सबान नागिन ये पन्ना जा रखी है। रही हो बात जल्दी आवाज करी के बबुआ के लेके आवाज नहीं जा। माटी के तेल डाल के दुनू के जला के मार देहल जाए, सारा पहाड़ी खत्म हो होगा। नी लोग के दारू तो नहीं के पी ले ले बुटी नाथ देवता। जय हो नाथ देवता, जय हो। और समझ में आई इन लोग के काम तो तमाम हो गए। रहो बुलावन। अरे कहाँ बड़ा हो? कहाँ बात है मैनेजर साहब? तरह में रारू के और तारा बहिन के दोनों जने के साथ काट ले बा। अरे वो दोनों जन मर गई लोग, जल्दी आवा जल्दी। गाड़ी पीछे कहाँ घुमा होता है? मालती और सैनिचर के साथ काट ले लगा। कहाँ? ए मैनेजर साहब, ये अकरा सब गईली सन, साफ घर के सत्यानाश को के रख दे ले रहा। ठीक को होता है। चुप 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 आवा।
बताओगे भी या रोते रहोगे? बाबा अपने के बचा ली बाबा। सीवा नगीना तो नहीं चढ़ारी नाग नागिन हवे बाबा। हमार बहिन हमार मेहरारू के काट के मुआ दिल से बाबा। विश्वास देखे तो हमार भाई पकावन से पूछ ले बाबा। एकदम सही कहता रे भुलावन भैया। कबो उस सीवा नाग बन जात रहे तो कबो नगीना नागिन बन जात रहे बाबा। अब रहू रे अतरा भाई पाकिस्तानी बाबा। हमने के जान बचा ली। अपने की जान गई बानी जा। क्यों दोनों नाग नागिन शिव और नगीना के भेस में हमनी से बदला ले तारन सा। ए बाबा वो हमार भौजाई और हमार बहिन के काट के मुआ देले से बाबा। अब हमरा डर बा कहीं वो हमनियो दोनों के काट के मत मुआ दे सन। अब चिंता नहीं करना है। इसी नाग और नागिन के कारण मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था और मैं 20 सालों से इस नाग और नागिन के कारण रूप बदल बदल के भटक रहा हूँ। अब मेरा सपना पूरा होगा इंशाल्लाह। देखो भुलावन, मैं तुम्हें उस इच्छाधारी नाग नागिन से बचा सकता हूँ और तुम लोगों को शिवा के सारी संपत्ति का मालिक भी बना सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। अरे दौलत खातिर तो हम कुछ कर सकेला। अरे उहे हवेली खातिर तो हमर बहिन और हमर भौजाई के जान गई। बाबा कही ना का करे के बा, कुछ करे खातिर तैयार बानी। बोले बोले झट है और हम चाहते हैं कि घाट पर तुम लोग बम फिट करो ताकि लोगों के चितने चितने उड़ जाए। ठीक बा, लेकिन बाबा एकरा बदला में हमने के इनाम का सब कुछ मिल जाएगा। काली पांडे की संपत्ति और 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ भैया। बाबा समझे कि काम हो गए। लेकिन वो तो ठीक बाकी सपोहा से हमने के रक्षा के करी है बाबा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारा गरुड़ तुम लोगों की रक्षा करेगा। जॉन कहत अनिल उहे करब हम। लाश के ढेर लगा दे, खून के नदी बहा दे। हम सुननी है भोलावन भैया तू शिवा और नगीना छठ कर अपन परिवार के बदला लेवे की है सही समय में। हम ब्लास्ट में उहु दोनों मर जिहन सा चलावा। दोनों का चिता वही करा दे। रोजानी कितने लालची होते कागज के चंद टुकड़ों के लिए अपना ईमान धर्म सब कुछ बेच देते हैं। तभी तो हम पाकिस्तानी इनको लूटते हैं, खून की नदियां बहाते हैं। एक दिन ऐसा आएगा हिंदुस्तान पे पाकिस्तान राज करेगा। इंसान
भैया एकदम सोरा आना सच कहता रे। अरे कौनो बम ब्लास्ट ना भइल तो दोनों नगवा नगिनिया छठ घाट के बचा लेवन सहे बाबा। मुझे सब पता, अब और कुछ करना पड़ेगा। बाबा बाबा गजब हो गए बाबा, चिबो और नगीना दोनों जिंदा बा, हम अपन आग से देख के आवता नहीं। ये तो अच्छी खबर है, तुम सब जाओ और उन सबको उठाकर अपने अड्डे पर लेकर आओ, और हाँ काली पांडे को भी लेके आना। अरे चिवा देख लिया, चिवा लगी ना अपनी तकली। अब मैं इन इच्छाधारी नाग और नागिन को अपने अड्डे पर आने के लिए मजबूर कर दूंगा। देखो काली पांडे, ये है तुम्हारे असली बेटा और बेटी। हमार बेटा बाबूजी, हमार बेटी, हमार बाबूजी। छोड़ हम रखे। देखो शिवा, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, लेकिन 5 मिनट में इसका इंतकाल हो जाएगा। अगर अपने बाप को जिंदा रखना चाहते हो तो बुलाओ इस इच्छाधारी नाग और नागिन को। मैं एक ऐसे सांप से टसवाने जा रहा हूँ जिसके विष से वही तुम्हारे बाप को बचा सकता है। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है। ना बेटा ना, जब वो नागो नागिन इसके बेटे और बहू का रूप में जा सकते हैं, तो इसका विष निकालने के लिए वो दोनों यहाँ जरूर आएंगे। सिर्फ तुम्हारे पास 5 मिनट है, बुलाओ उस इच्छाधारी नाग नागिन को, क्योंकि वही दोनों अब तुम्हारे ससुर का जहर निकाल सकते हैं। Stop it!
नागिन के अपना देश ले जाए के उन्हें सपना तो काल हो जाए। छोड़ दे हमारा कुल देवता के। ए, कौन रोकेगा मुझे? मैं पहले तुम सब लोगों को मारूंगा और इस सांप को अपने देश लेके जाऊंगा। उसके बाद इसका विष निकाल के एक ऐसा जहर बनाऊंगा कि पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर देगा। तू मुझे कहीं नहीं लेकर जा सकता क्योंकि तेरी मौत का कारण मेरी बेटी बनेगी। तुम मेरी बेटी हो नगीना? हाँ नगीना, तुम मेरी बेटी हो। तुमको मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। प्रिय, पूर्णिमा की रात को हमें अपनी सर्प योनि को धारण करना होगा। नहीं नागराज, मैं सर्प योनि धारण नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। ये तो बड़े दुख की बात है। तुम जिस बच्चे को जन्म देना चाहती हो, तुम्हारे मनुष्य रूप में गर्भ धारण करने के कारण वो बच्चा कभी सर्प योनि धारण नहीं कर सकता। उसके जन्म के बाद उसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब मैं अपने बच्चे के बिना ही रहूंगी? नहीं नागराज, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। कोई उपाय बताइए ना। इसका उपाय तो शिवजी ही बता सकते हैं। तुम्हें जन्म देने के बाद मैंने तुम्हें भगवान शिव के मंदिर में छोड़ दिया, जहाँ से तुम्हें जानकी अपने घर ले गई। हाँ बेटी, तुम हमारी बेटी हो। तुम अपनी शक्ति दिखाओ और इस पाकिस्तानी की घमंड को चकनाचूर कर दो, ताकि कोई भी पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तान की तरफ सर उठा के भी ना देख सके। जितनी शक्ति मुझ में है उतनी शक्ति तुम में भी है। तुम अपनी शक्ति दिखाओ और इस पापी का सर्वनाश करो। इस पापी की शक्ति इस गरुड़ में है। सबसे पहले इस गरुड़ का वध करो। तुम तीन बार मेरे साथ भगवान शिव का नाम लो। इंसानियत के दुश्मन। पानी की कीमत रेगिस्तान से पूछ, नारी की कीमत हिंदुस्तान से पूछ, नगीना की कीमत अपने पाकिस्तान से पूछ। नगीना के विष से तू पूरा हिंदुस्तान के तबाह करे की सोचा ताड़े? आज उहे नगीना तोहर काल बन के तोहरा सामने खड़ा दिया। बुला अपन पाकिस्तानी आतंकवादियों के। उन सब आतंकवादियों के खातिर ई नगीना ही काफी बिया। और आज जवन रास्ता से तोहरा महतारी तोहरा के इस धरती पे जन्म दिए दिया ना, आज अगर उहे रास्ता से तोहरा के ओकर पेट में ना घुसेर दिए नी, तो हमार नाम नगीना ना। जय शिव शंकर।
अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारी जिंदगी भगवान शिव सुखी रखे। बेटा, बाबूजी आओ बेटा। बाबूजी, हमार बेटी जूती, अल्लाह करता हमनी के फिर से मिला दे। कपो ना जाई बाबूजी, अब हमनी के कोनो दुश्मन। जय हो नाग देवता। Oh, my God.